हाय स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाले चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 6, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जैसे 0 बाई 0 की कोई फॉर्म है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, या 0 की पावर 0 है, या 1/0। ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने का आपको तरीका है, आप लोग क्या पढ़ना है। अगर इस 0 बाय 0 की फॉर्म बननी है, इन्फिनिट बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बननी है, तो आपको एक आपने इंटर में फॉर्म पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल। क्या पढ़ा है? एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल रूल यूज कैसे होता है? इफ़ यदि आपके पास में एफ एंड जी दो आपके पास में फंक्शन है, टू फंक्शन, यदि आपके पास दो फंक्शन हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स, यदि आपके 0 के बराबर हैं तो क्या होगा? अगर एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स अगर आपके क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है एंड एग्जिस्ट कर रहा हो और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 बन रहा हो, या जी डैश यदि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जी डैश भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि 0 आ रहा है तो फॉर ऑल्स ऑफ एक्स आपका ओपन इंटरवल्स में ए माइनस डेल ए प्लस डेल कि डेल इज ग्रेटर देन 0, ये क्या करेगा आपको? एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट पॉसिबल एट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लिमिट एक्स टेंस टू जो भी आपकी फॉर्म, यदि हमारा 0 की फॉर्म 0 में लिमिट है, तो ये आपका क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिखाता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, आप ये वैल्यू एक्स बराबर इस टेंस टू का मतलब मीनिंग है एक्स बराबर 0 पर, साइन की वैल्यू 0 रखोगे क्या आएगा? 0, और अपॉन इधर भी 0 हो गया, तो फॉर्म क्या बन गई? 0 बाय 0 की फॉर्म। तो क्या लगाएंगे हम? वाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेगा बताइए? एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि यदि आपका इस वाले का भी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इसका भी डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। अब आप वैल्यू रखिए, कॉस 0/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल 1, ये आपका निकल गया। दो तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सेकेंड मेथड देखो इसका, यदि आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पा रहे हो तो वो नहीं याद, तो आपको उसके लिए रूल याद रखना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स की क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स आपने क्या करा? कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन एक्स, इससे ए लिमिट। अब आपको कहना लिमिट रख दीजिए, 1 माइनस 0 प्लस 0, बाकी टर्म 0 हो गए, 1 आ गया आपका। ये आपका सेकंड मेथड से हुआ, उसके लिए आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको रूल अभी लिखवाता हूँ आप, तो आइए रूल देखते हैं। तो आपको रूल ये याद रखने पड़ेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस x क्या होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4, इस टाइप से चलेगा। लॉग 1 माइनस x क्या होगा? साइड टर्म माइनस हो जाएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3, इस टाइप से। ओके, साइन एक्स का रूल क्या होगा? आपको रूल याद रखने पड़ेंगे यदि आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पा रहे हो, तो इससे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कॉस एक्स का जो रूल होगा वो क्या होगा? 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा। और आपका टेन एक्स का जो रूल होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स की क्यू अपॉन 3 प्लस 2x^5/15। ठीक है, और आपका e की पावर x का रूल क्या होता है? आप जानते हैं 1 प्लस x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, अगर आप एक चीज़ और आप रूल याद रखने पड़ेंगे आपको, लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लॉग e क्या होगा? e यदि आपका बेस में भी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। और लॉग 0 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। ये आए कहाँ से इसको भी बता देते हैं। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहता है,
और e की पावर जीरो वन रहेगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अगर मैं इनको सॉल्यूशन भी करना चाहूँ तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो इससे सेटिस्फाई अगर मैं आपको कराना चाहूँ, देखो यदि मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो माइनस इन्फिनिटी इजकल टू लॉग जीरो आ गया, तो ये हो गया ना, हो गया प्रूफ इससे। ऐसे ही इसका ये प्रूफ हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, पेज नंबर डी 134 पर लिमिट दी हुई है आपको एक्स टेंस टू जीरो। ये वैल्यू यहाँ रखिए, ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन एक्स, ई की पावर जीरो क्या होगा, वन, वन माइनस वन अपॉन जीरो, फॉर्म क्या बनगी, जीरो बाय जीरो की। तो क्या करेंगे आप, बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर डिफरेंशियल करना है, नीचे भी डिफरेंस करना है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंस क्या होगा, ई की पावर एक्स अपन एक्स का क्या हुआ, वन। अब रखिए ई की पावर जीरो अपन वन इक्वल टू वन आ गया आपका आंसर। या आप सेकंड मेथड ये लगा सकते हो, अगर आपको रूल याद होना चाहिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपन एक्स, ये है। तो अभी मैंने आपको रूल सिखाया है क्या, ई की पावर एक्स का वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस माइनस वन अपॉन एक्स, वन से वन कैंसिल हो गया, आपको क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दीजिए वन प्लस, बाकी टर्म सारी जीरो होगी, आपका वन यहाँ से आ गया। तो बस रूल याद रखने पड़ेंगे, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू जीरो ए की पावर x माइनस बी की पावर x अपॉन एक्स, इसको देखते हैं। देखना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मतलब एक्स बराबर जीरो रख दीजिए, ए की पावर जीरो माइनस बी की पावर जीरो, क्या हुआ, किसी की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, वन माइनस वन अपॉन जीरो अपॉन जीरो, तो आपकी क्या बननी है, फॉर्म जीरो बाई जीरो की बननी है। तो क्या लगेगा, वाई एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आप लोग जानते हो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है, ओके। तो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस बी की पावर एक्स लॉग ऑफ बी अपॉन वन, जब तक एल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे जब तक आपकी फॉर्म जो है चेंज नहीं हो जाते। अब जीरो बाई जीरो की फॉर्म नहीं बननी, देखो अब रखो वैल्यू, ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन अपॉन नीचे बना रहा है, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू वन होगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी से ए अपॉन बी लिख सकते हो, ये आपका ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 आपका अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी आया हुआ भी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव साइन एक्स माइनस सेवन साइन टू एक्स प्लस थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स। आप क्या करना है, एक्स बराबर जीरो रखिए इस पर, साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो और टेन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस जीरो, तो फॉर्म क्या बनी बताइए, फॉर्म बनी जीरो बाई जीरो की, क्या लगाओगे आप, बाय एल हॉस्पिटल, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स माइनस सेवन इंटू टू कॉस टू एक्स, साइन का डिफरेंशियल कॉस टू एक्स, टू एक्स का क्या आएगा टू प्लस थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब फिर से रखिए, ये क्या हुआ जीरो, कॉस जीरो वैल्यू क्या हुई वन, ये भी वन आ गई, यहाँ से वन आ गया, तीन तीन नौ, नौ और सात, नौ और पाँच चौदह, और सात दूनी चौदह, ये भी जीरो बनना है, यहाँ रखना वैल्यू, सही जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, वन माइनस वन क्या होगा जीरो, तो इसकी भी फॉर्म क्या होगी आपकी, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन गई। तो फिर से आ गई इसका एल हॉस्पिटल लग जाएगा, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव कॉस का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स, ठीक है, ये तो 14 हो गया, इसका क्या है माइनस के, चलो मैं इधर लिख देता हूँ माइनस के ट्वेल्व, ओके ऐसे लिख देते हैं, प्लस 9 कॉस का क्या आया, माइनस के साइन 3x इंटू 3 अपॉन, अब इसे कीजिए ये क्या बनेगा,
टू इंटू सेक एक्स इंटू, अब सेक एक्स का डिफरेंस क्या हुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ओके तो लिमिट थोड़ा सॉल्व कर लें, लिमिट माइनस के फाइव साइन एक्स चौदह में अट्ठाईस प्लस के अट्ठाईस साइन टू एक्स नौतिया सत्ताईस साइन थ्री एक्स अपॉन कितना टू, वन का तो जीरो हो गया था, टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स मिला आपको। अब इसकी फॉर्म देखते हैं फिर से, जीरो रखा ये भी जीरो, दिस ये जीरो ये भी जीरो, तो यहाँ ये बनाया ही जीरो हो गया, तो फॉर्म फिर से बन गई आपकी, क्या बन गई फॉर्म, जीरो बाय जीरो की। फिर से आपको क्या करना है, वाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस के फाइव साइन का डिफरेंस कॉस प्लस अट्ठाईस कॉस टू एक्स इंटू टू माइनस के सत्ताईस कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री अपॉन, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफरेंस क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स टू इधर आ रहा, तो सेक एक्स उसका अगर क्या होगा टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स के डिफरेंस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके अब आपको क्या करना, आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, ये जीरो नहीं बनना, यहाँ से वैल्यू फाइंड हो रही है, ये जीरो बनना है, बाकी टर्म देखो कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी, ये वन दिस ये वन, आपको क्या मिला लग दीजिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो माइनस के फाइव अट्ठाईस दूनी छप्पन इंटू वन, यहाँ भी वन मिला माइनस सत्ताईस दिया इक्यासी गुणा वन अपॉन, यहाँ से टू इंटू सेक जीरो की वैल्यू वन, ये भी जीरो वन, तो वन मिला, यहाँ से कितना मिला आपको टू इंटू जीरो। अब आप क्या करना है, इक्यासी और एक छियासी माइनस के प्लस के छप्पन अपॉन टू, छियासी में से छप्पन को माइनस कर दो कितना मिला, माइनस के तीस बटा दो कट गया पंद्रह, माइनस के पंद्रह आपका आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं हम आंसर को भी कितना आ रहा है, माइनस के पंद्रह आपका ये सही आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपके पास और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे के पास सही मटेरियल अच्छे से पहुंच जाए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।